सो गाइस, अगर आपके फोन पे में यूपीआई पिन सेट करते समय कुछ ऐसा एरर आ रहा है, यहाँ पर लिखा रहा है अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, ऐसा एरर आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और 110% आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस, जिस प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है, आप 100% आप अपना यूपीआई पिन आसानी से सेट कर पाएंगे। तो गाइस, करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर टाइप करना है। प्रोफाइल पर टाइप करने के बाद करना क्या है, यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको टाइप कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर जितना आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा सारा यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर प्राइमरी ऊपर दिख जाएगा। अब जिस बैंक का आप यूपीआई सेट करना चाहते हैं उस बैंक का बैंक पर आपको टाइप करना है। जैसे इसका मैं फिनो वाला का यूपीआई सेट करना चाहता हूँ, तो गाइस करना क्या है, आपको ऐसा एरर आ रहा है तो करना क्या है, यहाँ पर जाना है नीचे की ओर और यहाँ पर अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, इस अनलिंक बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर टाइप करना है और यहाँ से बैंक अकाउंट अनलिंक कर देना है। ठीक है, अब ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आपको सेटिंग में जाना है, मोबाइल का सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल के सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर ऐप्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑल ऐप्स पर आएंगे, यहाँ पर फोन पे देख लेना है कहाँ पर आपका फोन पे है। ठीक है, यहाँ पर फोन पे पर आ जाता हूँ, यहाँ पर फोन पे, यहाँ पर फोन पे है, इस पर आपको टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसका पर क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, क्लियर कैचेज कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको फिर से तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च मारना है फोन पे। ठीक है, फोन पे सर्च मार लेना है। सर्च मारने के बाद यहाँ पर जो कि फोन पे आ जाएगी, यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर फोन पे आएगा तो यहाँ पर इस पर टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर देख लेना है आपका अपडेट है कि नहीं, यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेरा अपडेटेड है, यहाँ पर अपडेट अगर लिखा आएगा तो आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, फिर से आपको अपडेट करने के बाद यहाँ पर फोन पे को ओपन करना है। फोन पे को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। ऐड न्यू बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद जौन सा आपका बैंक है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेरा फिनो था तो यहाँ पर फिनो में सर्च कर लेता हूँ, फिनो यहाँ पर सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है और फिर से आपको दोबारा यहाँ पर वही प्रोसेस अपनाना है जिससे कि आप चेंज करना चाहते हैं पिन या सेट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से पिन सेट करते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका 100% हो जाएगा। ये तीन स्टेप फॉलो करने के बाद 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।